Come on, boys, ready. अंजुमन 1-0 शुरुआत अंजुमन की तरफ से बढ़िया रिसीव और एक खूबसूरत स्मैश इम्तियाज। ये देखिए रिसीव, कमाल का रिसीव, आउट कॉल। रिकॉर्ड यहां पर जा रहे हैं मुखालिफ टीम के लिए एक ही बराबरी। शुरुआत बहुत अच्छी 2-1। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी अल-मनार को, तब जाकर इस मैच में वापसी कर सकते हैं। और ये खूबसूरत अंदाज मजीद का, 2-2। अमेजिंग इम्तियाज, बहुत खूबसूरत स्मैश। अंजुमन टेक्यू और ये उससे भी खतरनाक स्मैश। दोनों टीमों के बीच शुरुआत से एक अच्छा मुकाबला जिसकी उम्मीद में शायकीन भी। लंबा पुश किया ये और खूबसूरत अमेजिंग। ये रिसीव बहुत खराब रिसीव, ताकि बराबरी पर लाया, बल्कि दो टीम दो पॉइंट की बढ़त हासिल की है अपनी टीम के लिए। टॉप करने की कोशिश, लेकिन फिर से मौका इस बार अल-मनार को देखना होगा। इम्तियाज Yes. Well blocked. Ball 5. Oh, well stop. सीधे कोर्ट से बाहर जाता हुआ और फिर से बराबरी पर दोनों टीमें। ये खूबसूरत स्मैश ठाका यूसुफ, खिलाड़ी भी ये अब्रार का स्मैच भी बेहतरीन है। रिसीव यहां पर देखिए खाली जगह, जनाब अली तांजी और अहमद मुजार से बढ़िया बढ़िया अंदाज। ये बेहतरीन स्मैश है। 8 काम नहीं आएंगे, ओके लगाना पड़ेगा आपको पॉइंट के लिए। अरे पकड़ हुई यूसुफ की, टीम वैसे जानते हैं कैसी टीम है कि कभी भी किसी भी टीम के ऊपर भारी पड़ सकती है। ये ड्रॉप देखिए छोटे खिलाड़ी का और बड़ा कमाल पॉइंट है। बिल्कुल कोच समझाते हुए नो आर्ग्यूमेंट। रन 11, क्या मुकाबला, बड़ा मुकाबला। शायकीन के लिए जो चाहिए था वो सब कुछ ये खिलाड़ी देते हुए अंजुमन
और बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है सभी खिलाड़ियों ने और अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत। फिर से यहाँ पर देखिए आउट का कॉल अंपायर से होता है, रिसीव सीधे बिल्कुल सर्विस का सेफ होना ये बेहद जरूरी। फिर से और देर तक हवा में गेंद इम्तियाज, लेकिन यहाँ पर देखना होगा क्या इस बार बिल्कुल बढ़िया रसीव, फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन। ये 14-12 और बच्चे जागते रहे आप। इस बार देखना होगा इसी के साथ यहां पर पहला सेट जीत लिया है अलमनार ने। ये धड़कने तेज करता हुआ और इस ग्राउंड के हर कोने कोने को पहचानती है कि किस तरह से रुख बदलता है गेम, किस तरह से करवट बदलता है गेम। उसके बावजूद भी यहां पर अलमनार ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तीन नेट में खराब शुरुआत हुई है अलमनार की, 4 पॉइंट को अंजुमन को लीड रखना पड़ेगा। 1-0 2-0 लगातार नाकामयाबी उनके कदम छूती हुई। खतरनाक है यार, बहुत खूबसूरत स्मैश, बढ़िया स्मैश इस बार भी 2-3। एक और अंक यहां पर जाता हुआ आसानी से 4-2। वक्त यहां पर लिया गया है, इसका पूरा फायदा यहां पर अंजुम उठाती है। इम्तियाज और एक बेहतरीन स्मैश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा स्मैश इम्तियाज ने किया। इस बार देखना होगा, इस बार इधर से इम्तियाज 5। ये सेट धड़कने और तेज करता हुआ और बढ़िया स्मैश है जैसे का 10 साक। एक और वक्त जो बचा, मजबूत पकड़ यहां पर बनाई है, मजबूत पकड़ अंजुमन के इस सेट में और ये चाहिए अंजुमन के लिए। टॉप करने की कोशिश, लेकिन इस बार देखना होगा उसे पुश करने की कोशिश की। ये खराब 9-4। ये 5-9। खूबसूरत स्मैश, लेकिन रिसीव जरूर बेहतर किया था लेकिन बाहर जाता हुआ। रफ्तार से पॉइंट बनाए हैं अंजुमन ने, क्या अलमनार ने पहला सेट जीता था। शाकिर
ये शातिर खिलाड़ी निकला, तीन से यहाँ पर 11-6। सात ग्यारह सरफराज सर्विस कोर्ट से बढ़िया सॉल, लेकिन सीधे कोर्ट से बाहर। इस तरह 12-7, लेकिन साथ देना होगा अलमनार के सभी खिलाड़ियों को 12 तक पहुंचने के लिए कम से कम। ऐसा और ना फिर मुश्किलें जिस तरह से खड़ी होती हुई नजर आ रही है, ये सर्विस देखिए साड़ी से पास किया, फिर से मौका इस बार, ये क्या किया इम्तियाज ने, छठी ए फंसाने के लिए अंजुमन को। एफर्ट चाहिए अपनी टीम के लिए, मारे आउट। अभी कर रही है अलमना इस सिंपल सो आउट 11-13। पीछा लगातार होता हुआ एक टाइम आउट अंजुमन का भी इस बीच आ रहा है। आसान सी सौ आउट 12-13। सोच रही है दोनों टीमें कि होगा क्या मेरा, और सिंपल सो दूसरे घर में पहुंच गए थे। रिसीव रिसीव बेहतर, सीधे पास किया और अब्राड, ये दिमाग से खेला गया, दिमाग से पॉइंट दिया गया। छोटो कट कर कट कर, 13-14 फिनिश कर फिनिश कर। छोटो की घंटी और तेज होती भी, लगातार अगर यहाँ से दो पॉइंट बनाते हैं तो हो जाएगा मुश्किल अंजुमन के लिए। पास्टर, पास्टर, सानी से पास किया अब्रार, चौदह की बराबरी। ये हो क्या गया है अंजुमन को, 5 पॉइंट की लीड को लेकर आगे बढ़ रहे थे, अब बराबरी पर आ चुका है मुकाबला, पहला सेट खो चुके हैं। बार भी तक सही नहीं, सिसी के साथ बाहर जाएगी, ये दर्द जरूर है लेकिन धैर्य से खेलना होगा, हौसला रखना होगा। बिल्कुल पंद्रह पंद्रह, धड़कने 72 से 82 तक पहुंच चुकी है। गार्डल गार्डल और अब क्या होगा, सीधे कोर्ट से बाहर जाता हुआ, कोई न टच की टच कुछ भी नहीं, सोलह पंद्रह पलटवार यहां पर अब अंजुमन ने किया है, और खतरे की घंटी अलमनार के सर के ऊपर बज रही है। फिनिश कर दे और इसी के साथ
यहां पर अंजुमन ने इस सेट को जीत कर ना चाहूंगा मैं कि कौन सी टीम सभी बच्चे स्कूल जाएं सुबह में बहुत सपोर्ट हो गया आपका शायद आउट था सत्ता 3-0 कहां गए अलमनार के हीरो जिन्होंने पहला सेट जीता दूसरा सेट मुखाली टीम के सामने जीत इस बार 3-0 सद्दाम की सर्विस सीधे कोर्ट से पांच 5-1 वेल प्लेड यूसुफ क्योंकि 4 पॉइंट जब तक कवर कर लेते हैं तब तक आप कम से कम 2 पॉइंट भी आगे जाते हैं तो बेहतर रहेगा अपनी टीम के लिए अंजुमन बढ़िया स्मैश अगला मैच बिल्कुल तैयार रहे कांटी की टक्कर होगी और बहुत खूबसूरत मैच होने वाला है पास बढ़िया ब्लॉक एक और खूबसूरत ब्लॉक देखिए स्मैशर सर खास अगर देखा जाए तो पासर सद्दाम की उंगलियों का जादू सेवन नाइन ट्वेल्व 3 पॉइंट अगर आगे चलती है अलमनार तो मुश्किलें मैं समझता हूं से 17-15 से अंजुमन ने जीता
बहुत बड़ा मुकाबला था दूसरे सेट में, और इस बार तीसरा सेट यहां पर बहुत आगे ज़रूर है। चलिए ड्रॉप के साथ मुझी हो गई तो आप समझते हैं, बस समझदार भी हैं। यस रिसीव, ये रिसीव मैं समझता हूँ लकी हो सकता है अंजुमन के लिए। यस बहुत खूबसूरत स्मैश, एक किल चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, एक किल। इस साथ अंजुमन ने इस मैच को जीत कर अगले राउंड में क्वालिफाई किया है, यानी कि सेमीफाइनल में शायद प्रवेश किया है।